दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं वायरल सर। स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि किसान आंदोलन का डर, भाजपा नेताओं की पहरेदारी करेगी पुलिस, पंगा लेने से नहीं डरती राकेश टिकैत की टोली। वहीं यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव से मिले बसपा के नौ बागी विधायक, सपा में हो सकते हैं शामिल। वहीं देश की राजनीति में बगावत का मौसम, बंगाल से लेकर पंजाब तक इन राज्यों में उथल पुथल। वहीं वैक्सीन घोटाले के खिलाफ अकाली दल का तगड़ा प्रदर्शन, कैप्टन अमरिंदर के फार्म हाउस को घेरने की कोशिश। वहीं अकाली दल कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार, सुखबीर सिंह बादल को लिया हिरासत में। वहीं पेट्रोल डीजल में लगी आग से अब एनडीए में शुरू हुआ मतभेद, जेडीयू ने कहा कि कीमतें अब चुभने लगी हैं। वहीं टीएमसी में वापस लौटना चाहते हैं बीजेपी के सात विधायक और तीन सांसद, ममता बनर्जी लेंगी बड़ा फैसला। वहीं चिराग पासवान को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया, पटना के एलजेपी दफ्तर में तगड़ा बवाल। वहीं वायरल वीडियो को लेकर राहुल गांधी पर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी की जनता को बदनाम ना छोड़ दें। वहीं आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के घर पर पोती का लेख, सांसद ने कहा कि मेरी हत्या कर दो लेकिन मंदिर का चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। वहीं आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबरों को हार्दिक पटेल ने बताया फर्जी, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। वहीं दिल्ली में आप सांसद संजय सिंह के सरकारी आवास में तोड़फोड़, दो लोग गिरफ्तार। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, किसान आंदोलन का डर, भाजपा नेताओं की पहरेदारी करेगी पुलिस, पंगा लेने से नहीं डरती राकेश टिकैत की टोली। ये आपको बता दें कि किसान आंदोलन को लेकर भले ही केंद्र सरकार के रुख में कोई भी बदलाव ना आया हो, मगर राकेश टिकैत की टोली ने भाजपा के मंत्रियों और नेताओं के लिए भारी परेशानी खड़ी कर दी है। राष्ट्रीय स्तर पर जारी इंटेलिजेंस इनपुट के मुताबिक भाजपा नेताओं के कार्यक्रमों में विवाद खड़ा हो सकता है। इसके मद्देनजर भाजपा नेताओं की जनसभा और उद्घाटन स्थल के आसपास हथियारबंद पुलिस का पहरा रहेगा। खासतौर पर उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड व राजस्थान में भाजपा नेताओं के सार्वजनिक कार्यक्रमों में राकेश टिकैत की टोली यानी किसानों के जत्थे, नारेबाजी और काले झंडे दिखाना और उद्घाटन स्थल पर तोड़फोड़ आदि कर सकते हैं। आपको बता दें कि किसान संगठनों के नेताओं ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर रखा है। जून माह के दौरान कई तरीके के बड़े आयोजन किए जाएंगे। किसान मोर्चा ने खेती बचाओ लोकतंत्र बचाओ अभियान के तहत 14 जून को गुरु अर्जन देव का शहीदी दिवस मनाया है। आपको बता दें कि 24 जून को देश के विभिन्न हिस्सों में कबीर जयंती मनाई जाएगी। 26 जून को आपातकाल की जानकारी देश को दी जाएगी। आपको बता दें कि इस दिन किसान आंदोलन के 7 माह पूरे हो रहे हैं। किसानों द्वारा राजभवनों के बाहर धरना प्रदर्शन करने की घोषणा की गई है। पिछले माह किसानों ने ऐलान किया था कि अब भाजपा नेताओं का गुरिल्ला नीति से विरोध किया जाएगा, सार्वजनिक कार्यक्रमों में उन्हें काले झंडे दिखाए जाएंगे, जनसभा या फिर उद्घाटन स्थलों पर भी उनका विरोध होगा। कुछ दिन पहले केंद्र कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर जब अपने गृह जिले में पहुंचे थे तो मध्य प्रदेश के किसान संगठनों ने उनके सामने भारी विरोध प्रदर्शन कर दिया था। आपको बता दें कि हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर का हेलीकॉप्टर करनाल में उतरने नहीं दिया गया। अब प्रदेशाध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने पार्टी कार्यालय का नींव पत्थर रखा तो उसे भी उखाड़ फेंका। आपको बता दें कि किसानों के विरोध को देखते हुए भाजपा अध्यक्ष तय समय से 2 घंटे पहले ही नींव का पत्थर रखकर चले गए थे। जब किसानों को उसकी भनक लगी तो उन्होंने कार्यालय के लिए रखे गए नींव का पत्थर उखाड़ फेंका। आपको बता दें कि फिलहाल आंदोलन में तगड़ा बवाल जारी है। किसान संगठनों के नेताओं ने अब आर पार की लड़ाई का ऐलान कर दिया है। आपको बता दें कि 26 जून को आपातकाल की जानकारी पूरे देश को दी जाएगी। अब किसानों ने ऐलान कर दिया है कि सरकार के साथ आर पार की लड़ाई होगी। इसके मद्देनजर अब पुलिस बीजेपी नेताओं का घेराव करेगी, यानी कि पुलिस हमेशा बीजेपी नेताओं की पहरेदारी करेगी और किसान बीजेपी से आर पार के मूड में है। अब देखना यह होगा कि किसान कहां तक जाते हैं और सरकार किसान आंदोलन को खत्म करने के लिए कृषि कानूनों को रद्द करती है या नहीं। आपका क्या मानना है, क्या कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए? अपनी राय हमें वीडियो लाइक कर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। और भी बड़ी खबर, यूपी चुनाव से पहले अखिलेश यादव से मिले बसपा के नौ बागी विधायक, सपा में हो सकते हैं शामिल। ये आपको बता दें कि फिलहाल उत्तर प्रदेश में तगड़ा बवाल जारी है। उत्तर प्रदेश में अगले साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले राजनीतिक हलचल तेज हो गई है और सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में पूरे तरीके से जुट गई हैं। इस बीच समाजवादी पार्टी के प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने मंगलवार को बसपा के नौ बागी विधायकों से मुलाकात की। अखिलेश यादव ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के ऑफिस में बसपा से निकाले गए विधायकों से मुलाकात की। इसके बाद ये अटकलें अब तेज हो गई हैं कि ये सभी बागी विधायक सपा में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक इसको लेकर कोई भी आधिकारिक जानकारी नहीं मिली है। बता दें कि बीएसपी प्रमुख मायावती ने राम अचल राजभर और लालजी
रजनी वर्मा को पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप लगाकर निकाल दिया था। बताया जा रहा है कि हाल ही में जिला पंचायत चुनाव के दौरान दोनों ने पार्टी के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा था। आपको बता दें कि फिलहाल अखिलेश यादव से बसपा के 9 बागी विधायकों ने मुलाकात की है और ये अटकलें तेज हो गई है कि ये 9 बागी विधायक सपा में शामिल होंगे। आपको बता दें कि जैसे मायावती को तगड़ा झटका लगेगा। और ये बड़ी खबर, देश की राजनीति में बगावत का मौसम, बंगाल से लेकर पंजाब तक इन राज्यों में बड़ी उथल पुथल। ये आपको बता दें कि देश एक तरफ कोरोना महामारी की मार झेल रहा है तो वहीं दूसरी तरफ पूरे देश को वैक्सीन लगाने की भी चुनौती है। इसके साथ ही मानसून के चलते स्थानीय स्तर पर होने वाली समस्याएं भी हैं। ऐसे कठिन समय में जनता अपने नेताओं की ओर उम्मीद भरी नजरों से देखती है। उसे लगता है कि नेता उसके लिए मदद का हाथ बढ़ाएंगे, लेकिन जनता ऐसी स्थिति में जब नेताओं को पार्टी की राजनीति और कहीं कहीं पर निजी स्वार्थों में व्यस्त देखती है तो खुद को ठगासा महसूस करती है। देश में एक तरफ जहां पर मानसून धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है तो वहीं राजनीतिक मौसम भी बगावती होता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब और राजस्थान में राजनीतिक घमासान मचा हुआ है। कहीं सत्ताधारी पार्टी में कलह मची है तो कहीं पर परिवार में वर्चस्व की लड़ाई जारी है। आपको बता दें कि इन आपसी झमेलों में जनता पिसकर रह गई है। अगली बड़ी खबर, वैक्सीन घोटाले के खिलाफ अकाली दल का कैप्टन अमरिंदर सिंह के खिलाफ तगड़ा प्रदर्शन। अकाली दल कार्यकर्ताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने की पानी की बौछार, सुखबीर सिंह बादल को लिया हिरासत में। ये आपको बता दें कि फिलहाल पंजाब के अमरिंदर सिंह सरकार के खिलाफ आज विपक्षी पार्टी श्रोमणी अकाली दल और BSP ने तगड़ा प्रदर्शन किया। इन दलों का आरोप है कि कांग्रेस की सरकार ने कोरोना टीकाकरण में घोटाला किया है। अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के आवास का जमकर घेराव करने की कोशिश की। इस दौरान नेताओं को तितर बितर करने के लिए पुलिस ने पानी की बौछारें छोड़ी। साथ ही पुलिस ने सुखबीर सिंह बादल और विक्रम सिंह मजीठिया सहित अकाली दल के कई बड़े नेताओं को हिरासत में ले लिया। आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल के नेतृत्व में प्रदर्शनकारियों ने फतेह किट की खरीद में अनियमितता और COVID-19 रोधी टीके की खुराकों को निजी अस्पतालों को देने सहित कई मुद्दों पर कांग्रेस नीत राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। श्रोमणी अकाली दल स्वास्थ्य मंत्री बलवीर सिंह का इस्तीफा मांग रही है। आपको बता दें कि श्रोमणी अकाली दल और बसपा ने मोहाली के सिसवान स्थित मुख्यमंत्री के आवास का घेराव करने की योजना बनाई थी। सूरत में अकाली दल और बसपा के कई प्रदर्शनकारी कार्यकर्ता पहले स्तर के अवरोधक लांग कर आगे बढ़े और दूसरे स्तर पर लगे अवरोधक लांगने की कोशिश करने पर पुलिस ने उन पर पानी की बौछारें छोड़ दी। आपको बता दें कि मोहाली के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक सतेंद्र सिंह भी मौके पर मौजूद थे। आपको बताते चले कि फिलहाल फतेह किट को लेकर कांग्रेस में तगड़ी कलह जारी है और पंजाब में तगड़ा बवाल हुआ। सुखबीर सिंह बादल की अगुवाई में पार्टी ने तगड़ा प्रदर्शन किया। आपको बता दें कि फिलहाल पुलिस से झड़प के बाद सुखबीर सिंह बादल को हिरासत में ले लिया गया। और ये बड़ी खबर, कुणाल घोष का बड़ा ऐलान, कहा TMC में वापस लौटना चाहते हैं BJP के 7 विधायक और 3 सांसद, ममता बनर्जी लेंगी फैसला। ये आपको बता दें कि फिलहाल BJP की पूरे देश में किरकिरी जारी है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में तृणमूल कांग्रेस को मिली जीत के बाद पार्टी छोड़कर कई नेता घर वापसी के लिए तैयार दिख रहे हैं। TMC के नेता कुणाल घोष ने कहा कि चुनाव के पहले TMC छोड़कर BJP में जाने वाले नेता अब दोबारा से पार्टी में लौटने के लिए मेल और व्हाट्सएप के जरिए अपील कर रहे हैं कि उन्हें पार्टी में वापस करने का मौका दिया जाए। पार्टी में वापसी को लेकर उन्होंने कहा कि इस बात का फैसला पार्टी सुप्रीमो ममता बनर्जी ही करेंगी कि कौन दोबारा TMC में शामिल होगा और किसे पार्टी में शामिल नहीं करना है। शुभेंदु अधिकारी को लेकर कुणाल घोष ने कहा कि उन्हें BJP के अंदर कोई भी पसंद नहीं कर रहा है, यही कारण है कि कई नेता पार्टी छोड़कर TMC में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही BJP के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष मुकुल राय और उनके बेटे शुभ्रांशु राय BJP छोड़कर TMC में शामिल हो गए हैं। TMC छोड़कर BJP में शामिल हुए राजीव बनर्जी, सोनाली गुहा, सरला मुर्मू सहित कई नेता TMC में वापसी चाहते हैं। आपको बता दें कि TMC में वापसी को लेकर कुणाल घोष ने कहा कि BJP के ऐसे करीब 7 विधायक और 3 सांसद हैं जो घर वापसी करना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि घर वापसी का फैसला हमारी नेता ममता बनर्जी करेंगी। आपको बता दें कि फिलहाल बंगाल में BJP की आफत जारी है और BJP के कई बड़े नेता तृणमूल कांग्रेस में जाने को पूरे तरीके से तैयार हैं।
अगली बड़ी खबर, चिराग पासवान को लगा तगड़ा झटका, लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया गया। पटना के एलजेपी दफ्तर में तगड़ा बवाल। ये आपको बता दें कि चिराग पासवान को लोजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटा दिया गया है। उनकी जगह पर सूरज भान को कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। सूरज भान पार्टी के नए अध्यक्ष की चुनाव प्रक्रिया संपन्न कराएंगे। खबरों के मुताबिक एक व्यक्ति एक पद के नियम के तहत चिराग को हटा दिया गया है। 5 दिनों के भीतर राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक बुलाकर नए अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। इससे पहले एलजेपी ने चिराग पासवान को पार्टी के संसदीय दल के नेता पद से भी हटा दिया था। लोजपा के 6 सांसद थे, इनमें से 5 ने बगावत कर लोकसभा स्पीकर से इसके लिए गुजारिश की थी, जिसे स्वीकार कर लिया गया। वहीं ये खबर सामने आने के बाद चिराग के समर्थकों ने पटना में एलजेपी के दफ्तर में तगड़ा बवाल काटा। आक्रोशित समर्थकों ने बागी सांसदों के पोस्टरों पर कालिख पोत दी। आपको बता दें कि पुलिस ने मौके पर पहुंचकर माहौल को शांत कराने की भी कोशिश की। चिराग पासवान के चाचा पशुपति पारस को एलजेपी संसदीय दल का नया नेता चुन लिया गया था। चिराग को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाने के साथ चाचा और भतीजे के बीच सुलह समझौते की सारी संभावनाएं भी टूटी नजर आ रही हैं। माना जा रहा है कि पशुपति कुमार पारस 20 जून से पहले लोक जनशक्ति पार्टी के नए अध्यक्ष चुन लिए जाएंगे। अगली बड़ी खबर, वायरल वीडियो को लेकर राहुल गांधी पर जमकर बरसे योगी आदित्यनाथ, कहा यूपी की जनता को बदनाम करना छोड़ दें। ये आपको बता दें कि यूपी के गाजियाबाद में एक बुजुर्ग मुस्लिम व्यक्ति से मारपीट और जबरन धार्मिक नारे लगवाने के आरोप पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी को ट्वीट करना भारी पड़ गया। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी पर तगड़ा हमला बोला। दरअसल सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें एक मुस्लिम व्यक्ति ने 4 अज्ञात लोगों पर गाजियाबाद में सुनसान पड़े एक मकान में ले जाकर उसे जय श्री राम का नारा लगाने के लिए मजबूर करने और पिटाई करने तथा दाढ़ी काटने का भी आरोप लगाया है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ ने राहुल गांधी को नसीहत देते हुए ट्विटर पर लिखा कि प्रभु जय श्री राम की पहली सीख है सत्य बोलना, जो आपने कभी जीवन में नहीं किया। शर्मानी चाहिए कि पुलिस द्वारा सच्चाई बताने के बाद भी आप समाज में जहर फैलाने में लगे हैं। सत्ता के लालच में मानवता को शर्मसार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की जनता को अपमानित करना तथा उन्हें नाम करना छोड़ दें। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी नेता संजय सिंह के घर पर पोती का लेख, सांसद ने कहा कि मेरी हत्या कर दो लेकिन मंदिर का चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। ये आपको बता दें कि अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का आरोप लगाने वाले आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के घर पर हमला हुआ है। यहाँ पर अज्ञात लोगों ने उनके घर पर कालिख पोत दी है। इस घटना के बाद संजय सिंह ने ट्वीट करके बीजेपी पर तगड़ा निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि चाहे मेरी हत्या भी हो जाए लेकिन मैं मंदिर का चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। संजय सिंह ने एक वीडियो ट्वीट करके कहा कि मैं इस वक्त दिल्ली में अपने आवास पर हूं और मेरा आवास राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के भवन से महज 100 मीटर की दूरी पर है। अभी मेरे घर पर हमला हुआ है। मैं बहुत साफ शब्दों में बीजेपी और उनके गुंडों से कहना चाहता हूं कि आप जितने चाहे हमले करवा लो और चाहे मेरी हत्या करवा दो, लेकिन भगवान श्री राम के नाम पर बनने वाले मंदिर में अगर चंदा चोरी करोगे तो एक नहीं बल्कि 1000 बार बोलूंगा। उन्होंने कहा कि ये 115 करोड़ हिंदुओं का अपमान है। ये उन करोड़ों सम्मान भक्तों राम भक्तों का अपमान है जिन्होंने अपना पेट काटकर मंदिर के लिए चंदा दिया है। अगर उस चंदे में चोरी हो रही है तो बार बार सवाल उठाऊंगा, चंदा चोरों को जेल में डालना चाहिए। आपको बता दें कि संजय सिंह ने ऐलान कर दिया है कि चाहे तो मेरी हत्या कर दो लेकिन मंदिर का चंदा चोरी नहीं करने दूंगा। अगली बड़ी खबर, आम आदमी पार्टी में शामिल होने की खबरों को हार्दिक पटेल ने बताया फर्जी, बीजेपी पर लगाया गंभीर आरोप। ये आपको बता दें कि कांग्रेस नेता हार्दिक पटेल ने आम आदमी पार्टी में शामिल होने और आगामी गुजरात विधानसभा चुनाव में पार्टी का नया चेहरा बनने की खबरों को फर्जी करार दिया है। उन्होंने कहा कि ये खबरें निराधार और फर्जी हैं और बीजेपी द्वारा कांग्रेस कार्यकर्ताओं तथा विभिन्न समाज में भ्रम फैलाने के उद्देश्य से प्लांट कराए गए हैं। हार्दिक पटेल ने कहा कि बीजेपी कोरोना काल में अपनी नाकामियों को छिपाने के उद्देश्य से खबरें प्लांट करवाने का काम कर रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में अपनी नाकामियों को छिपाने के उद्देश्य से मीडिया में फर्जी खबरें प्लांट करवाने का काम बीजेपी कर रही है। विभिन्न मीडिया प्लेटफॉर्म में मेरे आम आदमी पार्टी में शामिल होने और आने वाले विधानसभा चुनाव में उनका चेहरा बनने की खबरें आने से अचंभित हूं। आपको बता दें कि हार्दिक पटेल ने कांग्रेस छोड़ आम आदमी पार्टी में जाने की अटकलों को खारिज करते हुए कहा कि बीजेपी के कुशासन के खिलाफ लड़ाई को जो भी मजबूत करना चाहता है
उसका गुजरात में स्वागत है, लेकिन वो कांग्रेस पार्टी है जो पिछले विधानसभा चुनावों में सरकार बनाने के बिल्कुल करीब पहुंच गई थी। उन्होंने कहा कि गुजरात के लोगों ने पड़ोसी राज्य राजस्थान महाराष्ट्र में कोरोना के भीषण संक्रमण काल में कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन देखा है और मुझे विश्वास है कि साल 2022 के बाद लोग राज्य में हमें पूर्ण बहुमत से उनकी सेवा करने का मौका देंगे। बड़ी बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का बड़ा ऐलान, कहा मौत का आंकड़ा छुपा रही मोदी सरकार, पीएम को आम जनता से नहीं है कोई मतलब। जी आपको बता दें कि कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को लेकर ऑल इंडिया मसलिम एतिहादुल मुस्लिमीन के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने सरकार के आंकड़ों पर सवाल उठा दिया है। उन्होंने दावा किया है कि कोरोना से मौत को लेकर मोदी सरकार ने जो आंकड़ा दिखाया है, हकीकत में मौत उससे कहीं ज्यादा हुई है। उन्होंने कहा कि सरकार मौत के आंकड़े को छिपा रही है। कोरोना से होने वाली मौत के आंकड़ों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष के नेताओं के निशाने पर हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि देश में दूसरी लहर के दौरान कोरोना संक्रमण की वजह से 20 लाख लोगों की मौतें हो चुकी हैं। मोदी सरकार का आंकड़ा वास्तविकता से काफी दूर है, सरकार मौत का सही आंकड़ा छुपा रही है। किसी भी राज्य में ICMR की ओर से जारी गाइडलाइन फॉलो नहीं किया जा रहा, हर जिले में मौत के आंकड़े छुपाए जा रहे हैं। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। यदि आप भी चाहते हैं कि भारत जल्द से जल्द कोरोना मुक्त हो जाए और कृषि आंदोलन का जल्द से समाधान निकले, तो इस वीडियो को लाइक कर अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।